हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना के बारे में कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। इन सभी स्टूडेंट के लिए शासन ने जो फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत, उसमें आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे भरें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें जिससे कि कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, स्किप कतई ना करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की वेबसाइट पर। अभी हमने दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको इस सत्र के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी थी कि कब आपका क्या क्या होने वाला है, और उसमें हमने आपको कमेंट्स बॉक्स में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर आपको इस फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कमेंट करिएगा तो हमें इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट प्राप्त हुए हैं कि सर इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाइएगा जैसे कि फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो और शासन द्वारा जो लगातार कहा जा रहा है कि इसमें जो भी अभ्यर्थी होंगे उन्हें टैबलेट लैपटॉप इत्यादि दिया जाएगा तो उसमें आसानी से हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और इस योजना का हमें भी लाभ मिल जाए। तो आपको अब क्या करना है, ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा कि सत्र 2021-22 की साक्षात कक्षा हुई तो आवेदन के लिए आवश्यक सूचना, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो आप जब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस फिर आ जाता है। यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण या साक्षात कक्षाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी आप किसकी कोचिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला है यूपीएससी यूपीपीएससी और उसके बाद में यूपीपीएस मेन्स यानी प्रारंभिक प्री और मेन, उसके बाद वह साक्षात्कार, उसके बाद NDA, उसके बाद CDS, उसके बाद JEE, उसके बाद NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं यानी TTPU इत्यादि। तो आपको यहां पर तय कर लेना है कि आप किसके लिए यहां पर फ्री कोचिंग करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यहां पर आपका जो भी आप आसानी से यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद उस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। ये देखिएगा परीक्षा के नामांकन के लिए आवेदन, यहाँ पर ये ऑलरेडी आपका शो हो रहा है। यहाँ पर आप जो भी देखना चाहते हैं यहाँ पर आसानी से यहाँ पर सिलेक्ट करके दोबारा से कर पाएंगे। CDS, NDA, JEE, NEET जो भी है आप आसानी से यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद में व्यक्तिगत जानकारी आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, उसके बाद पिताजी का नाम आपके फादर्स का नेम यहाँ पर डाल देना है। आपको यहाँ पर अपना जेंडर चूज कर लेना है जो भी आपका जेंडर हो। जन्म की तारीख आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि जो कौन सी आपकी जन्म की तारीख है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। ईमेल एड्रेस आप डालिएगा जो कि चालू हालत में आपका होना चाहिए। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मंडल चुने, यहाँ पर मंडल चुनने में काफ़ी स्टूडेंट गलती कर दे रहे हैं, तो आपका जो भी मंडल लगता है उसी मंडल को आप चुनिएगा। यहाँ पर कानपुर मंडल देख लेते हैं, जिसका जो भी मंडल है यहाँ पर आसानी से चूज कर सकता है। उसके बाद जिले का चयन करें, तो यहाँ पर आपको तय करना है कि आपका जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सा। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं, जैसा कि माना कि आपने यहाँ क्या किया, आपने कानपुर मंडल की जगह यहाँ पर आपने ये आगरा मंडल चुन लिया, यदि आगरा मंडल है कि नहीं, आगरा मंडल चूज़ कर लिया। उसके बाद आपका जिला अगर कोई दूसरा है तो यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी सारी गलतियाँ भी सामने आ रही हैं, तो यहाँ पर अपना जिला देख लीजिएगा। ये मंडल केवल 4 जिलों में लगता है, यानी आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। तो अगर इनमें आपका जो भी है तभी आप उसको सिलेक्ट करिएगा, अन्यथा आप मंडल यहाँ ऊपर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जिले का यहाँ पर चयन कर लीजिएगा। उसके बाद अपना यहाँ पता डालिएगा, पता यहाँ पर पूरा पिन कोड के साथ डालिएगा, अगर आप विलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट या जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, पूरा इत्यादि जो भी आप वार्ड नंबर जो भी आपका है
पूरा यहाँ पर डालिए। अपनी योग्यता का चयन करें, यानी आपकी योग्यता क्या है, तो यहाँ पर अपनी योग्यता आसानी से आप चयन कर सकते हैं कि कितनी है, इंटरमीडिएट है या उसके बाद में स्नातक है या उसके बाद में परास्नातक, जो भी है आप आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद स्ट्रीम चुने, आपकी स्ट्रीम कौन सा है, तो आपका एम ए है, एम एस सी है, एम कॉम है, जो भी है आप आसानी से यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। स्ट्रीम में प्राप्त विषय दर्ज करें, यानी आपके आपने जो भी यहाँ पर स्ट्रीम चूज़ किया है उसमें कौन से विषय से आपने किया है, तो यहाँ पर आप जो भी एमएससी या जो भी आपने आपकी डिग्री है उसमें कौन कौन से विषय हैं, आसानी से आप यहाँ पर विषय दर्ज कर सकते हैं, यानी अपना विषय यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद हाई स्कूल आपने उत्तीर्ण किया है, बिल्कुल अच्छी बात, हाई स्कूल यहाँ पर होते हैं। उसके बाद बोर्ड का चयन करें, आपने किस बोर्ड से की, यहाँ पर CBSE, ICSE, यहाँ पर तीनों बोर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर आप ना सिलेक्ट करिएगा। अगर आपका CBSE है तो यहाँ पर CBSE सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, यानी आपने कब किया है, तो यहाँ पर आप करिएगा कि आपने कब किया है UP बोर्ड। उसके बाद प्राप्तांक का चयन करके आपके कितने नंबर हैं, यहाँ पर आसानी से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं। आपको यहाँ पर हाईस्कूल का रोल नंबर डाल देना है, अपनी मार्कशीट पर बिल्कुल सही से डालना है, गलती कतई नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड, PNG, JPG केवल, यानी आपकी जो मार्कशीट है 10th की मार्कशीट, यहाँ पर आपको लगा देना है, PNG, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं। इतना भरने के बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का ऑप्शन आ जाता है कि इंटरमीडिएट आपने उत्तीर्ण किया है तो ठीक है। उसके बाद में बोर्ड का चयन, यानी आपने कौन से बोर्ड से किया है, तो अपना यहाँ पर बोर्ड डाल देना है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, यानी आपने कब उत्तीर्ण किया है, तो यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष भी आपको डाल देना है कि आपने इंटर कब किया, इंटरमीडिएट कब किया है। प्राप्त, यानी आपके कितने परसेंटेज आए हैं, ये भी आपको डाल देना है। उसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको इंटर का रोल नंबर डाल देना है। उत्तीर्ण यानी स्नातक, यहाँ पर हमने उत्तीर्ण कर लिया है। उसके बाद अगर आपकी उपस्थिति है, यानी आप इस समय उसमें पढ़ रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज विश्वविद्यालय, यहाँ पर अपना विश्वविद्यालय का नाम डाल देना है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष चुने, यानी कब आपने किया है, तो यहाँ पर आसानी से आप चूज़ कर सकते हैं कि कब आपने स्नातक किया है। उसके बाद प्राप्त परसेंटेज, यानी स्नातक में आपके कितने परसेंटेज आए, ये भी आपको तय कर लेना है। यहाँ पर अपनी मार्कशीट में देख लेना है कि आपके कितने परसेंटेज आए। उसके बाद रोल नंबर, यानी स्नातक का रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इतनी सारी डिटेल हम भर लेते हैं। इतना सारा सब कुछ ऊपर फिलअप करने के बाद नीचे आप सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। यदि इस आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत साबित होती है तो मैं परिणाम के लिए जिम्मेदार होऊंगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक टिक कर देना है, एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्लीज़ वेट का ऑप्शन आपके सामने आने लगता है, तो आपको थोड़ा वेट करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा तरीका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत विभिन्न कोर्सों के लिए, विभिन्न ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों जिनका अभी तक आपको आंसर ना मिल पाया हो, या जो भी आपका डाउट हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।